बेगमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में अज्ञात नवजात शिशु का शव मिला है। अस्पताल के मेन गेट के सामने लगे बोरवेल में चैम्बर के अंदर पड़ा मिला शव। बोरवेल की मोटर सुधारते समय जानकारी लगी। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शायद किसी महिला द्वारा अनाधिकृत रूप से बच्चे को जन्म देने के बाद अपने पाप को छिपाने के लिए यह कृत्य किया गया हो। फिलहाल अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच की जा रही है। सर बताएं, जो नवजात बच्चा मिला है कब का है, कहाँ से सूचना मिली है आपको? ये अस्पताल परिसर में ओबीडी के सामने कैंपस में एक छोटा सा वो जो पाइपलाइन का वो है चैम्बर, उसमें था वो बच्चा। तो वो जो गार्ड वाला है उसने हमें सूचित किया है। उसके ऊपर हम उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई की खबर ही रहती है। जो भी उचित होगा, कोई अज्ञात महिला है जिसको वो स्कूल लावा साल छोड़ के उसकी पहचान छुपाने के हिसाब से उसको छोड़ के चली गई, उसमें कार्रवाई। क्या लगता है सर, कब कितने दिन का है और कितना समय उसको डले हुए है? अभी ऐसे नहीं किया जा सकता। वो पीएम रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे पीएम रिपोर्ट में, और डॉक्टर साहब से पूछ के ही बताएंगे वो कितना टाइम कैसा हुआ है। अभी लगता है ऐसे रहा है, अभी हाल का है, हफ्ते भर शायद 15 दिन के बीच में। अभी डॉक्टर साहब से क्लियर करके हम उसमें बताएंगे आगे जो भी है। सीसीटी कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं, फुटेज से अपने निकलवाएंगे कहाँ से है, मैटरनिटी क्या से हुआ है या कोई और बाहर से छोड़ गया उसको, वो सीसीटीवी फुटेज से हम ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे सोर्स से उनसे भी देखेंगे कि कहाँ से कैसा आया है, उस पर कार्रवाई जरूर की जाए। थैंक यू। टीकमगढ़ से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।